के साथ अभिनंदन करें हमारी आज की कलाकार महुआ मुखर्जी का।
स्वागत करें। श्री संजीव बत्रा जी कृपया मंच पर आएं। गुरु जितेंद्र जी महाराज से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ भेंट कर महुआ मुखर्जी का स्वागत करें, जिस आवाज ने इस समूचे सभागार को गुंजरत किया है। सारंगी पर हमारे साथ थे नासिर खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तबले की थाप में आप सुन रहे थे अभिजीत को। स्वर से अब हम चल रहे हैं भंगिमाओं की ओर। हमारे बीच ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपनी थिरकन से ऐसी ऐसी कथाएं व्यक्त की हैं कि जहां शब्द भी फीके पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, थोड़े पड़ जाते हैं। नलिनी कमलिनी ऐसा नाम है कि जो न केवल हमारे देश में बल्कि समूची दुनिया में लगातार मंदिर शैली की परंपरा का विकास करते हुए उसे नई ऊंचाइयों तक लिए जा रही हैं। साधना और आराधना का प्रतीक नलिनी कमलिनी, बिजली जैसी चमक और जो उनका अंग विन्यास है वह देखते ही बनता है। रूप और रंग दोनों में एक समान,
कई बार लगता है कि जैसे विधाता ने एक ही रूप को दो बार गढ़ दिया हो। जहां आपने हर कोने में अपनी झलकार छोड़ी, वहां उन ऊंचाइयों तक भी गए जिसे कैलाश मानसरोवर कहते हैं, जहां पहुंचकर एक आम व्यक्ति सीधे ढंग से सांस तक नहीं ले पाता, वहां आप लोगों ने देर तक नृत्य किया। और यूं समझिए कि शिव की स्तुति की, आराधना की, शिव का आशीर्वाद इन कलाकारों को मिला।